Hello and welcome back to my channel. So today's video is all about this makeup look, and this makeup look ko maine create kiya hai by using one brand makeup products, and the brand is Blue Heaven. So mujhe ye look kafi zyada pasand aaya hai, and I hope ki aapko bhi pasand aa raha hoga. So let's move on and check out ki maine kaun kaun se Blue Heaven ke products use kiye hain is look ko create karne ke liye. But before proceeding, if you are new to my channel and haven't yet subscribed, to subscribe zarur kar dijiye. Also bell button ko hit kariyega taki aapko hamesha mere videos ke notifications mil jaye and you do not miss out my any of the videos. So now let's begin. So my skin is already prepped and primed, and I am using Blue Heaven Hyper Matte Foundation for my base makeup. And ये जो इसकी जो packaging है, you can see कि pump packaging है जो कि बहुत ही ज़्यादा convenient रहती है. And ये foundation जो है, इसमें हमें 7 different shades मिल जाते हैं. So आप अपने स्किन का जो अंडरटोन है उसके अकॉर्डिंग आप शेड को यूज़ कर सकते हैं. एंड मैंने यहाँ पर जो शेड यूज़ किया है इट इज़ वेनीला. सो अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो इट इज़ रियली वेरी नाइस. इट इज़ हाइड्रेटिंग बेस एंड नॉन पोर क्लॉगिंग फार्मूला. बिल्डेबल कवरेज है, बहुत ईजीली ब्लेंड हो रहा है. यू कैन सी कि मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ कर रही हूँ, एंड बहुत ही ये क्विकली ब्लेंड भी हो जाता है, एंड बहुत अच्छा नेचुरल मैट फिनिश मिलता है विद अ लाइट वेट फार्मूला, विच इज़ इट्स बेस्ट पार्ट. बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा, बहुत ही लाइट वेट फार्मूला है, एंड इट इज़ आइडियल फॉर ऑल स्किन टाइप. आपकी स्किन कैसे भी हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं. इवन अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कवरेज मिल जाएगा. यू कैन सी कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इसको यूज़ करके. बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है, ऑल्सो वाटर प्रूफ फार्मूला है. इट इवन्स आउट स्किन टोन. सो नाउ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन ऑल इन वन मेकअप स्टिक सिल्क मैट कंसीलर. सो इस कंसीलर को अगर आप चाहें तो एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं. कंसीलर, कॉन्टोर, कलर करेक्टर, लाइक ऑल इन वन हम कह सकते हैं. इसमें भी आपको अलग अलग शेड्स मिल जाएंगे. मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वनीला, जो मेरा जो शेड है वनीला शेड है. एंड ये भी वाटर प्रूफ फार्मूला है, बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाता है. मैंने यहाँ पर अपने जो अराउंड माई आईज़ इसे अप्लाई किया है, अराउंड माई नोज़ एंड माई लिप्स एरिया पे मैंने इसे अप्लाई किया है. ऑल्सो मुझे थोड़ा सा जहाँ पर मुझे एक्ने स्पॉट्स किए हैं वहाँ पर मैंने इसे अप्लाई किया है. बहुत ही क्विकली ब्लेंड हो जाता है. सिर्फ इसका 150 रुपीज़ इसका प्राइस है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. एंड नाउ फॉर माई आईब्रोज आई एम यूजिंग ब्लू हेवन आईब्रो एनहेंसर पेंसिल. सो इसमें हमें पेंसिल प्लस जो स्पूली है वो मिल जाता है. तो यहाँ पर पहले मैं स्पूली की हेल्प से अपने हेयर को थोड़ा सा सेट करूँगी, उसके बाद मैं स्मॉल स्ट्रोक्स को अप्लाई करके फिलअप करूँगी गैप्स को. एंड इसमें हमें दो शेड्स मिलते हैं. 150 रुपीज़ इसका प्राइस है. स्मज प्रूफ वाटर प्रूफ फार्मूला है, एंड इट स्टेज फॉर अप टू 12 आवर्स. मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है ये आईब्रो पेंसिल, लिटरली. मतलब इसके एक्चुअली ब्लू हेवन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आई लव यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज काफ़ी इनकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है, एंड एट द सेम टाइम दीज आर वेरी अफोर्डेबल. तो अगर हम चाहें तो इसे गिफ्टिंग पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं. किसी को गिफ्ट देना है तो भी परचेज़ कर सकते हैं, हम अपने लिए भी परचेज़ कर सकते हैं. सो क्वालिटी भी अच्छी है, एंड दैट टू एट अफोर्डेबल रेंज. सो यू कैन सी द डिफरेंस इन माई बोथ आईब्रोज. सो नाउ I'll be doing the same thing on my second eyebrow as well. And after filling the gaps, मैं again spoolie की help से यहाँ पर थोड़ा सा अपने जो hair हैं eyebrows के, तो उसे थोड़ा सा set कर दूँगी. And now for compact powder, I am using Blue Heaven Oil Control Compact Powder. Matte finish है ये भी. And इसमें हमें मिलता है SPF 25, PA Triple Plus. ये भी मेरा जो शेड है इट इज़ इन द शेड नेम वनीला. 165 रुपीज़ का इसका प्राइस है. तो वैसे तो इसका जो फाउंडेशन जो मैंने यूज़ किया है हाइपर मैट फाउंडेशन, वो इतना मैट है ना कि आपको बिल्कुल मैट लुक अच्छा सा मिलता है, बहुत ही अच्छा कवरेज है. बट सिर्फ उसको थोड़ा सा सेट करने के लिए यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट यूज़ किया है. एंड नाउ फॉर काजल, आई एम यूजिंग ब्लू हेवन काजल प्लस लाइनर.
तो इसका मुझे बेस्ट पार्ट ये लगा कि एक साइड पे हमें मिलता है काजल एंड अनदर साइड पे हमें मिलता है आईलाइनर। एंड जो आईलाइनर है वो बहुत ही फाइन टिप आईलाइनर है, तो हम बहुत ही अच्छे से एकदम थिन लाइन अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लाइक प्रिसीजन फाइन आईलाइनर कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो मैं पहले काजल अप्लाई करूँगी एंड देन आई विल बी अप्लाइंग आईलाइनर। एंड इसका जो प्राइस है इट इज़ जस्ट ₹225 ओनली, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, इजी टू कैरी है, क्योंकि एक ही चीज़ आपको लेके जानी है अपने हैंडबैग में एंड यू आर गुड टू गो, दोनों ही चीज़ का काम हो जाएगा, लाइक आईलाइनर एंड काजल का। ऑल्सो इट इज़ स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ एंड वेरी लाइट वेट, बहुत ही अच्छा है, लास्टिंग भी अच्छी है। सो यू कैन सी दैट आई एम डन विद दिस एंड नाउ फॉर माई आईज आई बी यूजिंग दिस मस्करा। सो एक्चुअली आई लाइनर एंड ऑल मैंने अप्लाई कर लिया है, सो चलो आप मस्करा भी अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि मस्करा से थोड़ा सा लुक जो है वो एनहेंस हो जाता है। एंड इसमें हमें यहाँ पर कॉनिकल टिप मिलता है, जो एप्लीकेटर है वो बहुत ही अच्छा है, लाइक इट लेंथन्स ईच लैशेज, बहुत ही अच्छा है। इट इज़ वाटर प्रूफ, लाइट वेट एंड किसी भी तरह की क्लम्पिंग नहीं होगी, सो यू कैन सी हैप्पी मी बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये। सिर्फ इसका ₹150 इसका प्राइस है एंड बिल्कुल भी आपको कलर की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी इस मस्कारा को यूज़ करेंगे तो। एंड नाउ फॉर माय लिपस्टिक, आई एम यूजिंग ब्लू हेवन इंटेंस मैट लिपस्टिक। इसका जो शेड है, इसका शेड नेम है हार्ट बीट 303, इसका शेड नंबर है, एकदम थोड़ा सा ब्राइट रेड हम कह सकते हैं। इसमें भी हमें काफ़ी सारा शेड्स मिल जाते हैं, डिफरेंट कलर्स की आप ले सकते हैं एंड बिल्कुल मैट फॉर्मूला है। तो ये जो लुक है ना, ये समर के लिए परफेक्ट लुक है, मुझे ये शेड बहुत पसंद आया है। आपको ये शेड कैसा लगा, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो दिस इज़ द फाइनल लुक बाय यूजिंग ब्लू हेवन मेकअप प्रोडक्ट्स एंड मुझे तो ये लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा, डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एंड अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखना पसंद है तो भी डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन एंड या दैट इज़ इट अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे हैप्पी स्टे पॉजिटिव, टेक केयर, बाय।